हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे भिंडी फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और ये फटाफट मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने लिया है कुछ खड़ा मसाला, धनिया, तेज़पत्ता, जीरा, लाल मिर्च और दालचीनी। इस खड़े मसाले को हम भून लेंगे। इस मसाले को अच्छे से भून लेना है इस तरह से। जब तक मसाले ठंडे हो जाएंगे तब तक हम ये भिंडी को धो के अच्छे से इसको काट लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से बीच से काट। अब इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस मसाले को भिंडी में इस तरह से भरते जाएंगे बीच में। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे भिंडी में इस मसाले को भर देंगे। अब हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अब तेल गरम हो चुका है। अब हम सारे मसालों से भरे हुए भिंडी को इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। तो अब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे। तो इसका मसाला अच्छे से देखिए सेट हो चुका है। अब ये निकलेगा नहीं बाहर। तो अब हम इसको अच्छे से मिलाकर और पकने देंगे। तो ये देखिए, हमारा भिंडी फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।